आज देखिए दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना भूलपुर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रार्थी जिनका नाम अभिषेक त्रिपाठी है, उनकी एक ज़मीन जिसमें कि एक कमरा और बाउंड्री बनी हुई थी, उसको किसी ने जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और वहां पे जो मौके पर मौजूद जेसीबी था उसको कब्जे में लिया गया था। इस घटना की गहनता से जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो वादी हैं अभिषेक त्रिपाठी और उनके जो परिवारजन हैं, उनका जो प्रतिवादीगण लोग हैं जिसमें कि कुछ लोग जिनका प्रकाश सिंह, रईस सिंह इत्यादि नाम है, इनके साथ इनका पूर्व में करीब 2 वर्ष पूर्व से एक इस ज़मीन को सेल इत्यादि करने के लिए एक प्रॉपर एक अग्रीमेंट हुआ था, एक फर्म बना करके कि इनकी आपसी सहमति से ये जो भी ये फर्म है वो काम करेगी, जिसमें वादी की 10% की हिस्सेदारी थी। परंतु वादी के आरोप के अनुसार उनकी इस पर्टिकुलर जो प्लॉट है उसको किसी अन्य व्यक्ति को बाकी लोगों द्वारा बेच दिया गया था बिना इनकी सहमति की, और जिसमें जो इनके द्वारा पहले से कुछ बाउंड्री और वो कमरे उसमें उपस्थित थे, अब वो दिनांक 5 सितंबर 2024 को अवैध रूप से उसको बिना किसी कोर्ट के आदेश इत्यादि के उसको गिरा दिया गया। वादी की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें 2 अभियुक्तों जिसमें कि एक नामित अभियुक्त अलंकार सिंह और उनके साथ एक और अन्य अभियुक्त, इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई और उसके साथ साथ जो जेसीबी था उसको भी सीज किया गया था। इस पूरे प्रकरण में जो अन्य विधिक कार्रवाई है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी कलेक्ट की जा रही है। इसके साथ ही यदि इसमें ये भी जांच कराई जा रही है कि यदि किसी स्थानीय पुलिसकर्मी की कोई उसमें लापरवाही रही है तो उसके संबंध में भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की जा रही है, और इसके साथ साथ जो भी अन्य विवेचना से संबंधित कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं? कितना? देखिए, जो उन्होंने FIR के लिए तहरीर दिया है उसमें 2 नेम्ड अक्यूज हैं, उसके साथ उनका कहना है कि उसमें कुछ करीब 25-30 अन्य लोग भी थे जो अज्ञात में हैं।